और शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मारियोपोल में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर में खाने पीने का भारी संकट अब पैदा हो गया। लोगों के भूखे मरने तक की नौबत आ गई है। रूस ये दावा कर रहा है कि वहां मौजूद आम लोगों की मदद रूस कर रहा है, उनको खाना वो दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच हालात कुछ ऐसे कि मारियोपोल में सबसे ज्यादा तबाही देखी जा रही है। आमने सामने की लड़ाई यहां छिड़ी हुई थी कब्जे को लेकर, और वहां चारों तरफ अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ तबाही और धुआं उठता हुआ। ऐसे में 30 दिन हो गए हैं युद्ध के, खाने पीने का संकट लोगों के सामने है। रूस दावा कर रहा है कि लोगों की मदद रूस कर रहा है और लंबी कतारें वहां पर खाने के लिए देखी गई। जो लोग वहां पर बचे कुचे लोग रह गए हैं वो लंबी कतार लगाकर खाने का इंतजार कर रहे हैं। मारियोपोल की तस्वीरें जहां पर भूख से अब लोग मरने को तैयार हैं, क्योंकि स्थितियां ये हो गई हैं जो उन्होंने राशन अपने घर में रखा था वो भी खत्म हो गया, एक लंबा वक्त स्टोर्स खाली है, खाने पीने की किल्लत से जूझ रहे हैं वहां पर लोग। हालांकि ज्यादातर लोग इलाके को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जरूर चले गए, लेकिन जो बचे लोग हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है तो वो खाने पीने से जुड़ी हुई। और लंबी कतार अगर आप देखिए, घंटों लोग लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं कि उनको एक वक्त का खाना मिल पाए।